अच्छा अभी तक हमने जाना कि कमेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं कमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू वर्डप्रेस बीइंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कमेंट्स कैसे काम करते हैं कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं हाउ डू कमेंट्स क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट इंटरेक्शन इन योर वेबसाइट वर्ल्ड प्रेस अलाउज़ यू टू डू दैट बट द मोस्ट आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आप खुद भी अपने आप से पूछें आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना भी चाहिए इज के वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टर्न ऑन द अप्रूवल फीचर इन कॉमेंट्स अप्रूवल फीचर क्या है इट्स अ सिंपल फीचर कि आप किसी को अलाउ करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके कुछ कह सके कि नहीं पब्लिकली सो वाई इज इट इम्पोर्टेंट क्यों ये इतना जरूरी है वो इसलिए बिकॉज कॉमेंट्स can बी हार्श हार्श का क्या मतलब है लोग तल्ख जुबान आपके साथ यूज कर सकते हैं आपके ब्लॉग योर ये अब आप तो यहाँ पे सोचेंगे कि कोई मेरे बारे में आके मुझे कह रहा है तो मेरी रेपुटेशन कैसे खराब होगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फेसबुक पे जब आपको कोई चीज नहीं पसंद तो आप सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल पे जाके या उनके पेज पे कमेंट्स पोस्ट करते हैं नेगेटिव कमेंट्स वैसे ही अगर आपके बारे में कोई बुरा कहेगा और काफी ज्यादा लोग एक चीज़ को कहना शुरू हो जाएंगे इट कैन डैमेज योर रेपूटेशन कॉमेंट्स कैन ऑल्सो यूज बैड लैंग्वेज एंड यू डोंट वॉन्ट पीपल टू सी दैट काइंड ऑफ बैड लैंग्वेज आप नहीं चाहते कि लोग देखें कि कौन सी जबान लोग आपके साथ यूज कर रहे हैं कॉमेंट्स कैन ऑल्सो बी एब्यूसिव आप नहीं चाहते कि कोई आके आपको एब्यूज करे कॉमेंट्स कैन ऑल्सो बी वेरी टॉक्सिक एंड कॉमेंट्स कैन बी थ्रेटनिंग आपको कोई थ्रेट आके दे सकता है आपके ब्लॉग पे किसी भी वजह से हो सकता है आप किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हो बात कर रहे हो कस्टमर को आपका जो आपका यूजर है जो कि कस्टमर भी होगा उसको आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आया एंड ही कम्स और शी कम्स एंड गिव्स अ थ्रेट उसके अलावा कमेंट्स कैन बी डीमोटिवेटिंग आप चले थे यू नो ख्वाब देखने के वर्ड में सीखेंगे और ट्रैफिक जनरेट करेंगे और मिलियंस कमाएंगे और एक बंदा आके वहाँ पे कमेंट पोस्ट करता है कि योर ब्लॉग इस क्रैप आपकी वेबसाइट बकवास है उधर से ही आप डीमोटिवेट होना शुरू कर देते हैं इसी लिए को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का कॉमेंट आप अलाउ करेंगे और किस तरह का कमेंट आप नहीं अलाउ करेंगे सो इफ एन इन अप्रोप्रिएट कॉमेंट हैज बीन सबमिटेड यू मे विश टू अनूव इट जरूरी नहीं है कि आप उस कमेंट को अप्रूव करें आपने जज करना है आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट पे आप किस तरह की डिस्कशन को अलाउ करेंगे आप किस तरह के कमेंट्स को अलाउ करेंगे अगर आप किसी का कॉमेंट अनअप्रूव कर लेंगे सो दैट कॉमेंट विल स्टॉप डिस्प्लेइंग ऑन योर वेबसाइट और वो कॉमेंट सबको नजर नहीं आएगा विच एग्जैक्टली इज द ऑब्जेक्टिव बिकॉज कॉमेंट्स कैन बी थ्रेटनिंग कॉमेंट्स कैन बी टॉक्सिक एंड कॉमेंट्स एज आई सेट बिफोर कैन बी वेरी डीमोटिवेटिंग क्वेश्चन यही आता है कि कैसे आप कॉमेंट्स को अनअप्रूव कर सकते हैं या अगर डिसअप्रूव में कहना चाहूँ तो कैसे आप कमेंट्स को अनअप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं तो आपने करना सिंपली ये कि आपने अपना जो माउस कर्सर है कमेंट सेक्शन में लेके जाना है और उस कमेंट पे लेके जाना है जो कमेंट आपको नहीं अच्छा लगता एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अनअप्रूव कुछ केसेस में तो वट आपको एक फीचर देगा कि अगर कॉमेंट ऑलरेडी अप्रूव हुआ हुआ है तो आप इसे अनअप्रूव कर सकते हैं अगर वो कमेंट आपने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था तो आप उसे या डिलीट कर सकते हैं या अनअप्रूव कर सकते हैं ये आप पे है कमेंट्स दैट आर ऑलरेडी अनअप्रूव विल बी डिस्प्लेड विद अ डिफरेंट विदिफर बैकग्राउंड इन योर लिस्ट ऑफ कमेंट उनका जो कलर है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये कॉमेंट जो है वो ऑलरेडी अनअप्रूव्ड है एंड दे विल बी हाईलाइटेड विद रेड वर्टिकल बार ऑन द साइड जैसे कि बड़े क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं सो यू विल ऑलरेडी नो बाय लुकिंग एट देम कि ये जो कमेंट है ये अनअप्रूव्ड है और इसको मैंने अप्रूव करना है एंड यू कैन टेक योर टाइम टू रीड दैट कमेंट टू अंडरस्टैंड दैट कमेंट बिफोर यू प्रूव इट एक और अच्छी चीज भी आप कर सकते हैं कि अगर वो कॉमेंट अनअप्रूव्ड है तो आप उस कॉमेंट को अप्रूव करने से पहले उसको एडिट कर सकते हैं आखिर क्यों आपको इसकी जरूरत पेश आएगी उन केसेस में जिधर आपका कमेंट में कोई ऐसा लिंक है जो कि स्पैम है यू वुड वांट टू एडिट द कमेंट फर्स्ट बिफोर अप्रूविंग इट क्वेश्चन आपके जेन में आएगा कि कैन आई डिसेबल कमेंटिंग कंप्लीटली यस यू कैन डू दैट देर इज अ प्लग इन अवेलेबल फॉर दैट और साथ ही साथ कैन यू मेक कॉमेंट्स बेटर क्या जबरदस्त होता कि एक सिस्टम होता जिससे आप कॉमेंट्स को मैनेज कर सकते so uh, हैं so सो आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ साथ साथ कैसे आते हैं कॉमेंट्स को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं सो so उसके लिए मैं आपको एक साइट पर लेके जाऊँगा, डब्ल्यू सी सी एफ टेक डॉट कॉम

तो हम क्या करेंगे इनकी कुछ रिसेंट पोस्ट को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि ये कमेंट्स को कैसे यूज कर रहे हैं so, हम स्क्रॉल करेंगे, हम नीचे जाएंगे और वहां पे वी विल लुक एट देयर कमेंट्स कमेंट्स किन यूजली टेक टाइम टू लोड हाँ आप देखें आप कमेंट्स लोड हो गए हैं। और यहां पे आपको डिस्कस की कमेंटिंग फीचर जो है वो नजर आ रही है एक चीज जेन में रखिएगा कि ये है वर्डप्रेस पे साइट बट दिस इज यूजिंग द डिस्कस कमेंटिंग फीचर जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में और भी बताऊंगा ये वर्ड की नेटिव फीचर नहीं है बट दिस इज अ वेरी गुड प्लग इन बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ न्यू फीचर्स डेट वी विल डिस्कस सो वट विल डू इज वील गो टू कॉमेंट्स अगेन ऑन आवर वेबसाइट विच इज डी जी स्किल साध हामिद डॉट जीरो 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 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमेंट्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूव हुए हैं तो मैं ये करूँगा कि आई ट्राई टू लॉग आउट एंड आई गो टू माई वेबसाइट एंड वहाँ पर मैं एक स्ट्रेंजर के तौर पर ये कामेंट पोस्ट करूँगा So, मेरा नाम है स्ट्रेंजर मेरी ईमेल है स्ट्रेंजर एक्ट जी मेल डॉट कॉम एंड कॉमेंट है आई एम स्ट्रेंजर पोस्टिंग दिस कॉमेंट ऑब्वियसली ये एक आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं इस तरह का कॉमेंट पोस्ट कर रहा हूं पोस्ट मैं दबाऊंगा एंड सडनली यू विल सी के द कॉमेंट ज बिन पोस्टेड क्योंकि वो आ, रिफ्रेश हो गया है जो पूरा पेज है तो अब मैं क्या करूंगा मैं इसको लॉग इन करूंगा ताकि मैं देख सकूं कि ये कमेंट बैक एंड पे कमेंट सेक्शन में कैसा आया सो so आप देख रहे हैं यहाँ पे यहां पे डैशबोर्ड में ही कमेंट नजर आ रहा है मैं चाहूं तो यहां से भी इसको हैंडल कर सकता हूँ मेरे पास पेंडिंग का एक फ्लैग भी आ रहा है अप्रूव भी मैं यहां से कर सकता हूँ बट आई वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम द कॉमेंट सेक्शन तो मैं कॉमेंट सेक्शन में जाऊँगा और कॉमेंट सेक्शन में जाके यू सी कि मैंने जो कॉमेंट पोस्ट किया था वो अब आपको नज़र आ रहा है उसकी रिस्पॉन्स भी नज़र आ रहा है किस पोस्ट पर है सबमिटेड भी नज़र आ रहा है और उसका रंग जो है वो चेंज हुआ हुआ है इट नाउ शोज यू कि एक रेड वर्टिकल स्टिप है मैं चाहूँ तो उसको अप्रूव भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो उसको एडिट भी कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा एल जस्ट क्लिक ऑन अप्रूव जैसे ही मैं अप्रूव करूंगा दिस कॉमेंट विल स्टार्ट अपरिंग एन द फ्रंट एंड दिस इज हाउ इजी इट इज़ टू अप्रूव कमेंट्स और अगर आप किसी कॉमेंट को आपने अप्रूव कर दिया है और आप उसको थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाह रहे हैं विदाउट डिलीटिंग इट तो आप क्या करेंगे यूल जस्ट क्लिक ऑन अन अप्रूव अब ये कॉमेंट फ्रंट एंड साइड से हिडन हो गया और अब मैं क्या कर सकता हूं नाउ आई कैन एडिट इट आई कैन अपडेट एंड आई कैन अप्रूव इट अगेन एक और चीज भी आप कर सकते हैं कि जब आप एडिट करते हैं कमेंट को वहां से ही आप इस कमेंट का स्टेटस डिसाइड कर सकते हैं पेंडिंग अप्रूव स्पैम सो आई क्लिक ऑन पेंडिंग अगेन और आप देखेंगे कि दोबारा वो स्टेप वापस आ जाएगी स्टेप वापस आ गई सो दिस इज हाउ इजीली यू कैन अप्रूव एंड डिसअप्रूव और अनअप्रूव अप्रूव एक और प्लग जिसको जिसका नाम है डिसेबल कॉमेंट्स मैं ये प्लग इन करना चाहूंगा ताकि मेरी पूरी साइट पर प्लग इन्स कंप्लीटली डिसेबल हो जाएं ये टोटली आप पे है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं सो आई एक्टिवेट दिस साथ ही साथ आई इंस्टॉल अनदर प्लग इन कॉल डिस्कस डिस्कस प्लग इन एक्टिवेट करने से You will get an advanced commenting system on your front end. हम देखते हैं कि वो कैसे नजर आता है वैसे अगर आप इसको लाइव देखना चाह रहे हैं तो डब्ल्यू सीसी डॉट कॉम पर जाए और वहां इसको आप लाइव भी देख सकते हैं बट मीन वाइल एल सी ये हमारी साइट पे कैसा दिखता है सो so, ये इसलिए आपको अभी प्रॉपरली दिखाने रहा बिकॉज इट येट आप इसको प्लग इन को एक्टिवेट करके कन्फिगर भी कर सकते हैं दिस इज हाउ इट विल लुक डब्ल्यू सी सी एफ डॉट डॉट कॉम इज ए गुड एग्जाम्पल सो इन दिस लेसन वी डिस्कस्ड हाउ टू अप्रूव डिसमेंट्स हाउ टू डिसेबल कॉमेंट्स एंड हाउ टू यूज अ पावरफुल कमेंटिंग फीचर लाइक डिस्कस